नमस्कार दोस्तों, बता दो कि आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इंटरसिटी स्मार्ट बस से और मैं जाने वाला हूँ दिल्ली से लखनऊ के लिए ट्रैवल करने वाला हूँ। उससे पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो में और आपको मैं वहाँ के स्टेशन वगैरह और बस के अंदर की नज़ारा भी दिखा दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आपको इंटरसिटी स्मार्ट बस के बारे में पता नहीं है तो बता दूं कि एक बस सर्विस है जो कि बहुत अच्छी बस सर्विस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको एसी सीटर मिल जाता है, सो स्लीपर, जो कि बहुत अच्छा होता है और ये बहुत कम में मिल जाता है, कम बजट में होता है, 600 से 500 या फिर 700 में आपको सीट मिल जाता है, सोने का स्लीपर सीट। और कंपेयर करोगे एज अ ट्रेन से तो अगर एसी का ट्रेन सीट बुक करोगे तो आपको महीनों या फिर 10 दिन पहले बुक करना पड़ता है, बट इसका सीन ये नहीं है। आप एक दिन पहले, दो दिन पहले और इजिली बुक करके कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कहीं भी नहीं। इसका लोकेशन कुछ लिमिटेड है, जैसे कि लखनऊ, कानपुर, शिमला, मनाली, हरिद्वार, इन सब जगहों पे है, दिल्ली, ये सब जगह पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत इजी और बहुत ही अच्छा है आपके लिए। कि बस जो है वो काफ़ी पंचुअल है टाइमिंग के लिए, अपना टाइमिंग के हिसाब से पैसेंजर को लेके जाती है, हालांकि जल्दी भी पहुंचा देती है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा इसका। हालांकि मैं सेकंड टाइम जब ट्रैवल कर रहा था तो मेरा जो सीट था थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा था, तो उन्होंने अलग मुझे चेंज करके दे दिया मैंने जैसे ही बोला। और इसे बुक कैसे करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर में और डाउनलोड करना है इंटरसिटी स्मार्ट बस ऐप। ऐप को डाउनलोड करती है, आपको अपना नंबर से रजिस्टर करना है। बता दूं कि जो नंबर से आप रजिस्टर करोगे उस नंबर से आपका व्हाट्सएप होना चाहिए, बिकॉज ऑफ आप बुकिंग करने के वक्त आपको एक बोर्डिंग ओटीपी आता है, 6 नंबर का ओटीपी होता है, वो ओटीपी आपको रात में चेक इन के वक्त देना पड़ता है। जब आप वहां पर चेक इन कर लोगे तब वो ओटीपी देना पड़ता है, तो याद रखें रजिस्टर नंबर आपका ही होना चाहिए और आपका रजिस्टर जो होना व्हाट्सएप होना चाहिए उस पर, ताकि आपका बोर्डिंग ओटीपी आ सके, कोई इश्यू नहीं होगा आपको। उसके बाद अपना सीट सेलेक्ट कर सकते हैं आप वहां पे, इसी चेयर भी है आपको, हाफ सीटर भी है और आपको स्लीपर भी है, जिसका प्राइस अकॉर्डिंग 200 से 250 डिफरेंस होता है, आप अपने हिसाब से चूज करके बुक कर सकते हो। और बता दो ये जो प्राइसेस है इसका अपडेट होता रहता है, तो इस बात का भी ध्यान दें, आप एक दिन पहले भी बुक कर सकते हो या फिर जाने का दिन भी बुक कर सकते हो। तो पहले आप ज़्यादा पहले बुक ना करें क्योंकि प्राइस तब कम नहीं होता, एक दिन पहले वो देखें और प्राइस इस हिसाब से थोड़ा कम आपको मिल जाता है। इन्फॉर्मेशन आप देख लो इंटरसिटी स्मार्ट बस स्टेशन अंदर का नज़ारा दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों अभी रात के 11 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट मेरा बस जो है अभी है, तो ये रहे इंटरसिटी स्मार्ट बस स्टेशन, जो कि अंदर जाएंगे तो अंदर आपको वेटिंग हॉल मिल जाएगा, उसमें बैठ सकते हैं आप जाके, और यहाँ पे आधे घंटे पहले जाना होता है तो इस बात का ख्याल रखें। और आपको कॉफ़ी जो है वो कम्प्लीमेंट्री, आप कॉफ़ी पी सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है, अंधेरी वॉशरूम वगैरह है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनमें सामने वाले आपको रिसेप्शन में मिल जाता है, कोई बैठा होता है उनसे पूछ सकते हो बस के रिलेटेड। हालांकि मैं लेट से गया था और मुझे थोड़ी लेट हो गई थी, तो चलो अभी अंदर जाते हैं और दिखाते हैं हम अंदर का नज़ारा। अब बुक करेंगे तो आपको 200 के एक वॉलेट अमाउंट मिल जाएगा, जो कि नेक्स्ट बुकिंग के लिए आपको वो अमाउंट ऐड होगा, जिससे आपकी प्राइस थोड़ी टिकट की कम जाएगी। जैसे आप अंदर जाते हो तो आपको सैनिटाइज किया जाता है और आपका जो टिकट है वो चेक करते हैं वहाँ पे, और अंदर आपको एक गाइड भी मिल जाएगा जो कि आपको सीट बता देगा, दिखा देगा, और अंदर सीसीटीवी भी लगा है और वॉशरूम भी है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर आपने सिंगल के लिए बुक कराया तो आपको प्राइवेट कैबिन मिल जाएगा, और अगर डबल के लिए भी तो वो भी प्राइवेट कैबिन ही रहेगा, बस उसमें 2 लोग रहेंगे। अगर आपका सीटर है तो वो भी सही है, बढ़िया है, हालांकि उसकी प्राइस जो है वो कम होता है उसके अकॉर्डिंग सीटर का। और ये 1.5 लीटर का वाटर बोतल है जो कि कम्प्लीमेंट्री फ्री यहाँ पे मिल जाता है, जो कि मुझे मिला अभी। और एक बात बता दूँ दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने किसी वीडियो में सुना नहीं, अगर रात को आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एसी में काफ़ी ठंड लगता है, जो कि मैंने रात भर झेला, मैं रात भर सो नहीं पाया ठंड की वजह से, तो कोई कंबल वगैरह कुछ नॉर्मल सा लेके ही जाए। ये है बाहर के कुछ नज़ारे जो मैंने खुद शूट करा है, होप आप सबको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना होगा।